दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज ऑफ डायमेंशन 16 फीट बाय 12 फीट। भाई एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यह भाई 16 फीट लंबा है और कितना चौड़ा कितना है 12 फीट है। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, अब टाइल लगानी भाई इसमें, ठीक। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर फीट इज 30 रुपीज़। भाई एक स्क्वायर फीट में लगेगी, स्क्वायर का मतलब चारों तरफ बराबर, स्क्वायर कितना 30 रुपीज़ आ रहा। फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना। तो पहले तो एरिया पता होना चाहिए हमें कि एरिया कितना है रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगुलर का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर देखो फ्लोर कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता। अब लेंथ हमें पता है कितनी, लेंथ तो भाई 16 फीट है और ब्रेथ कितनी है 12 फीट है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 16 × 12 16 × 12 2 8 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 2 3, 1 6 6 1 1 2 9। एरिया जो आ रहा हमारा, एरिया ऑफ द फ्लोर का क्या आ रहा, 192 फीट स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर फीट आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट निकालनी भाई कितने की, कॉस्ट हमें दे रखे 30 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर पर स्क्वायर फीट का मतलब ये चारों तरफ ये स्क्वायर फीट। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू होता रेट इंटू एरिया, ठीक है। तो कॉस्ट इक्वल टू, कॉस्ट हमारी कितनी है, रेट हमारा कितना है 30 स्क्वायर फीट, इस पर स्क्वायर फीट, पर का मतलब नीचे स्क्वायर फीट, ओके, इंटू एरिया कितना है हमारा 192 स्क्वायर फीट। फिर से तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो 3 2 6, 3 9 27, 3 1 3 और 2 5, ठीक है। कॉस्ट आ रही है कॉस्ट, ठीक है, और ये 0 है तो ये 0, कितना आ जाएगा हमारा 5760 रुपीज़। कितनी आ रही, 5760 रुपीज़ हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, ओके।